मुजफ्फरनगर जिले में शराबबंदी के दौरान शराब तस्करों द्वारा शराब तस्करी किए जाने का मामला लगातार प्रकाश में आ रहा है। और वहीं चंद्रपुर पुलिस की एलसीबी टीम ने 3 वाहनों से बड़े पैमाने पर अवैध शराब जब्त करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। चंद्रपुर जिले में शराबबंदी है, मगर शराब तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार पुलिस द्वारा इन शराब तस्करों पर कार्रवाई किए जाने का मामला प्रकाश में आ रहा है। और इसी की पार्श्वभूमि पर चंद्रपुर पुलिस की एलसीबी टीम ने बीती रात को गश्त के दौरान 3 वाहनों को पकड़ा और उसमें से 5 आरोपी को गिरफ्तार करते हुए बड़े पैमाने पर अवैध शराब जब्त की। वहीं इस कार्रवाई के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी चंद्रपुर पुलिस के एलसीबी टीम के पुलिस निरीक्षक बाड़ा साहब खाड़े ने मीडिया को दी। काल रात्रीच्या वेळी आमच्या एलसीबीच्या पथकाने रात्रभर गस्त करत असताना आणि त्यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे रामनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये चंद्रपूर शहराच्या बाहेरून येणाऱ्या 3 गाड्या पकडलेल्या आहेत। त्यामध्ये एक सफारी आहे, एक i20 आहे आणि एक ॲटो रिक्षा आहे। त्यामध्ये एकूण आम्हाला 40 विदेशी बियर आणि काही देशी दारूच्या अशा बॉक्स मिळालेल्या आहेत। त्यामध्ये एकूण 5 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत आणि रात्रीच्या ह्या 3 कारवाया मध्ये आम्ही 18 लाखाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे।